हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पिंकी का बेस्ट किचन में। तो आज अनंत चतुर्दशी का दिन है, तो इस दिन खीर और रोट बनते हैं। तो देखिए, मैं खीर बना रही हूँ। यहाँ दूध मैं बैठा दी हूँ और इसमें हम चावल डाल रहे हैं। ये चावल मैं धो कर रखा है हमने। तो देखिए, ये छोटा छोटा खीर वाला चावल है, एकदम छोटा रहता है, बारीक स्पेशल खीर के लिए रहता है, तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आप कोई भी चावल ले सकते हैं खीर के लिए। देखिए, रोट बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें घी से मोइन करेंगे। ये घी है, तो घी से इसको मोइन कर लेते हैं आटे को। तो देखिए, इसमें एक चुटकी नमक डाल देते हैं, बिल्कुल एक चुटकी, और मोइन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रोट और खीर खास अनंत चतुर्दशी पर ही बनता है, इससे भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो देखिए, मोइन हो चुका है, अब इसे हम गूथ लेते हैं, डो बना लेंगे। इसका सख्त डो बनाएंगे। तो देखिए, डो तैयार हो गया है, इसे हम ढक देते हैं। इधर खीर को चेक कर लेते हैं, इसमें डाल रहे हैं चीनी। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये गड़ी है, सूखा नारियल, यहाँ कुछ कटे हुए बादाम है, छुहारा है, और आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। देखिए, रोट बना लेते हैं। मैं इसमें दो ही रोट बनाऊंगी, रोट मोटे मोटे बनते हैं। इस तरह से बेलकर और इस तरह का ढक्कन, आप कोई भी ढक्कन ले लीजिएगा, इस पर डिजाइन बनते हैं। इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए ये देखिए, अब इसके साइड से हम कॉर्नर से इस तरह से दबा दबा के इसका डिजाइन बना देंगे। इस तरह से तो तवा गर्म है, इस पर सेक लेते हैं। ऐसे मीडियम आंच पर सेकना है, तभी ये अच्छी तरह से पकेगा। चलिए, दूसरा भी बना लेते हैं।
खीर को चेक कर लेते हैं। अभी मेरा खीर नहीं पका है पूरी तरह से, इसे और पकने देते हैं। देखिए इसे प्रेस करते हुए इस तरह से दबाते हुए पकाएंगे, इस तरह से। तो देखिए ये रोट मेरा पक चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं और ये दूसरा वाला डाल देते हैं इस पर। ऊपर से घी लगाते हैं। इस तरह से चम्मच की सहायता से इस तरह दबाते हुए ताकि घी अंदर तक चला जाए। ये दूसरा वाला भी रोट तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और इस पर भी घी लगा लेते हैं। तो ये देखिए रोट और खीर अनंत चतुर्थी का स्पेशल डिश रेसिपी है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे वो कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।